कृपया करके इस वीडियो को अपने दिल दिमाग लीवर किडनी एक्सेट्रा किसी पे ना ले, जोक को जोक की तरह समझे, साथ ही कमेंट बॉक्स में पान ना थूके, धन्यवाद। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? कैनेडियन कुछ भाई आप सबका स्वागत करता है, कीप लविंग योर कैनेडियन कुछ भाई। पता चला कि आशिकों का कड़वा चौथ आने वाला है, या फिर उसे बोल सकते हैं नवरात्र भी, क्योंकि पूरे पूरे हफ्ते भाई साहब उनका लव लपाटा चलने वाला है। और भाई साहब, कभी गलती से कोई बंदा ये फेस्टिवल भूल जाए तो उसकी महबूबा नाराज हो जाती है। हाँ, या फिर महबूब भी हो सकते हैं। इक्वालिटी भाई साहब, इक्वालिटी। इस बार तो उनके लव फेस्टिवल में बाधाएं ही बाधाएं हैं, मतलब लव लपाटा कम और ब्रेकअप ज्यादा होने वाले हैं। मतलब भाई, महबूबाएं अपने घर पे बोलेगी क्या, एक्स्ट्रा क्लासेस, कोचिंग? अरे साला, यहाँ पे कोचिंग नहीं चल रहे, तुम्हारे एक्स्ट्रा क्लासेस कहाँ से लग रहे हैं? कूट कूट के फ्रेंच फ्राइज से पानी पूरी का मावा बना देंगे मावा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे भाई साहब, इतना प्यार तो राहुल ने अंजलि से नहीं किया होगा जितना प्यार हमारे सोशल मीडिया के लवर्स कर रहे हैं। इन लोगों ने प्यार करने की डिग्री एसआरके से ली है और सोशल मीडिया को ही पूरी यूनिवर्सिटी बना रखी है। मच पागल, वेरी मच पागल। और भाई साहब, इनका जो ये प्यार होता है ना, वो सिर्फ कैमरे के लिए ही सीमित होता है। 8-9 साल के सीरियस रिलेशनशिप के बाद ये जो प्रेमी पंखीड़े होते हैं ना, वो 1-2 महीने में ही शादी कर लेते हैं। मतलब DDLJ तो देख ली, लेकिन देवदास भी देख ली होती, टीचर तो हर जगह सेम ही है। एटलीस्ट आपको पता चलता कि ब्रेकअप के बाद कैसा बिहेव करना है और कैसा रिएक्ट करना है। तो भाई, आज की वीडियो हमारे सोशल मीडिया के लवर्स के लिए ट्रिब्यूट है, जिनकी लव स्टोरी सोशल मीडिया पे ही शुरू होती है और सोशल मीडिया पे ही खत्म हो जाती है। और अगर तुम्हारी नहीं हुई है अभी तक, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत लकी हो तुम, गुड लक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाइस, चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। बंदे ने यू करके परफ्यूम लगाई, बंदी यू करके सूंघती हुई चली आई। नहीं मतलब, परफ्यूम की स्मेल तो यू भी आ जाती ना। मेरे सामने से कोई गुजरेगा तो मैं उसको ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पे आ, मैं तेरे को हूं करके सूंघूंगा और उसके बाद बोलूंगा तुम्हारा परफ्यूम कौन सा है। और इतना एक्साइटेड तो मेरा बडवाइजर भी नहीं होता था जितना एक्साइटेड ये लड़की हो रही है परफ्यूम सूंघ के। भाई, अगर परफ्यूम लगाने से इस कदर लड़कियां पट रही होती ना, तो सुनार की दुकान पे तोले के भाव में परफ्यूम बिक रहे होते। लोग पानी की जगह परफ्यूम से नहा रहे होते और लोग मुंह में माउथ फ्रेशनर की जगह परफ्यूम छिड़क रहे होते। कोई सेंस है इस बात का? यहाँ पे हमारे लौंडों से लौंडियां नहीं पट रही, इनकी पट रही है तो इनको चाहिए नहीं। दोस्त मुझे ब्रोकर बना के बैठे हैं कि भैया सेटिंग करा दो, इनकी हो रही है, इनको चाहिए भी नहीं और रोना भी है। और दीदी, तुम पीछे क्यों बैठ गई? अरे जाओ पकड़ो यार। This is for you. है तेरी चाहत मेरी जरूरत, सुनी है तुझे बिल दुनिया मेरी। अरे बनाया होगा ताजमहल मुमताज के लिए शाहजहां ने, लेकिन यूटिलाइज तो ये अपने लौंडे कर रहे हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि ये ताजमहल थोड़ी ना है। अरे ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंटल साइट है जो इन लोगों ने छोड़ा है? वहाँ की दीवारों से लेके पेड़ों पे इनका प्यार पकता हुआ दिखने को मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनका प्यार दीवारों पे रह जाता है, शादी के कार्ड पे नहीं आता। और इन्हीं लोगों की वजह से हम जैसे पारिवारिक लोग कहीं पे घूमने नहीं जा सकते, जैसे कि पुराना किला। मैंने बोला मम्मी को चलो ना पुराना किला घूमने चलते हैं, मम्मी ने क्या बोला बताए, आंख बंद कर दी मेरी, अपनी नहीं मेरी, वो तो बड़ी है ना, तो मेरी आंख बंद कर दी। होता होगा तुम्हारा प्यार कुची मुची लवी टवी निबा निबी टाइप का, लेकिन उसमें हमारा क्या गलती? क्या करूं मैं, मर जाऊं? भाई, जिस तरीके से तीन लोग साथ में चल रहे थे, पता चल रहा था कि ये तीनों दोस्त हैं, लेकिन इस टीम में से एक ने दोगलाबंदी करी और हमारी दीदी में अचानक से वंडर वुमन की आत्मा आ गई। दीदी ने एक लात में लड़का उड़ा दिया और उसका दोस्त उठ के बोल रहा है चलो चलो, अरे बगल से तुम्हारा दोस्त गायब हो गया, पीछे मुड़ के देख तो लो कहां गया वो। यहां पे दीदी अपने महबूब को बता सकती थी कि तुम्हारे दोस्त मेरे पे फ्लर्ट करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन नहीं, दीदी को भी सुपर हीरो बनने का चांस चाहिए था। जैसे ही दीदी ने बोला कि फाड़ के रख दूंगी, बगल वाला सीधा फ्रेम के बाहर चला गया। भाई गुस्से में कुछ भी हो सकता है। तू मेरा ही है, मैं फाड़ के रख दूंगी सबको यहाँ पे।
मैंने मुझे गेम नहीं जीती। जैसे ही दीदी ने बोला कि फाड़ के रख दूंगी, बगल वाला सीधा फ्रेम के बाहर चला गया। भाई गुस्से में कुछ भी हो सकता है। अरे दीदी वो लोग हैं, कपड़े नहीं है जो फाड़ के रख दोगी। मुझे तुझे जीतना ट्रॉफी है ना, वो तो जो उसे जीतोगी। चुटकी बजाने से दुनिया रुक गई। चलो मान लेते हैं कि दुनिया रुक गई, लेकिन रुकने के बाद ये दोनों नीचे बैठ के रो क्यों रहे हैं? अगर इतना ही प्यार है तो बता दो अपने अपने पार्टनर्स को असलियत और फिर साथ हो जाओ। लेकिन नहीं, हमें तो उनका काटना है। और फिर बोलोगे लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अबे गधे के बच्चों, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम लोग बनाते हो कॉम्प्लिकेटेड। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे थप्पड़ क्यों मार दिया, आराम से भी तो घूम सकता था। और वो चौथा बंदा अचानक से कैसे आ गया इतना फास्ट फॉरवर्ड? तो कृपया ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दे, आपकी कृपा बरसेगी। वो भी इतनी जल्दी फॉरवर्ड नहीं होता, और ये बंदा इतनी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड। वाह भाई वाह। और बहन तू क्यों बैठी है? तू भी उठ के उसको एक लगा दे। तू क्यों बैठी है? शुक्र है इन लोगों में तापसी पन्नू की आत्मा नहीं घुसती, वरना ये लोग एक दूसरे पे थप्पड़ के केस ही करते रहते। थप्पड़ के बिना तो इनका कोई वीडियो कंप्लीट ही नहीं होता। नॉन फेमिनिस्ट इन सो कॉल्ड टूरू लवर्स को पजेसिवनेस उनकी कमी नहीं लगती, उनको एटीट्यूड लगता है उनका। अरे मतलब कोई इंसान आपके साथ कमिटेड है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका सारा टाइम बस आपका ही है। वो अपने दोस्तों से भी नहीं बात करे, उन सबको गोली मार दे। ए चोमू, तू जाने देता था क्या तेरी बंदी को अपने बेस्ट फ्रेंड के पास? ये काटो। तो मतलब ट्रस्ट नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? नहीं। प्यार दोबारा नहीं हो सकता, तू मैनू पूछना कोई सवाल, चल दूर के ते मेरे नाल के तेरा हो जाऊं। मतलब मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रहा है इस वीडियो का। लड़की जा रही है, लड़का देखा, घुटने पे बैठ के प्रपोज कर दिया। मतलब लड़के के बारे में कुछ जानोगी या नहीं बहन? उसका दोस्त बताता है कि लड़का अंधा है, लेकिन नहीं चलेगा मुझे मेल गांधारी वर्जन, कोई दिक्कत नहीं है। और उतने में लड़का अचानक सरप्राइज देता है, धप्पा मैं तो देख सकता हूँ। कुछ भी, इन लोगों को कुछ नहीं मिलता बनाने के लिए, तो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, लोग तो बन ही जाते हैं। मतलब दो चार लोगों की कमी हो तो हमें भी बता दो, नल्ले बैठे हैं, हम भी पूरी कर देंगे वो कमी। मतलब कैसे, कहाँ होता है ऐसा? कोई सेंस है इस बात का? एक लड़का गुलाब लेके आ रहा है, दूसरे मुंह में लेके जा रहा है गुलाब। गुलाब एक लड़का गुलाब लेके आ रहा है, दूसरा गुलाब मुंह में लेके जा रहा है, तीसरा लड़का वहां पे खड़ा हुआ है और वो पहला लड़का उसको धक्का मार के वापिस उसकी जगह पे खड़ा हो रहा है। मतलब ओ भाई, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। प्रायोरिटी देखो जनाब, प्रायोरिटी। फोन भाड़ में जाए, हम तो पहले लड़की पकड़ेंगे। चाचा विधायक है हमारे, फोन तो आते जाते रहेंगे, लड़की थोड़ी। अरे कमजात, अरे भगवान का डर नहीं था तो कम से कम कोरोना का डर रख लेते, कम से कम मास्क तो नहीं हटाते। और चलो कोरोना का भी डर नहीं था, लेकिन कम से कम पुलिस वालों का डर रख लेते, चालान कटते हैं चालान। वीडियो के एंड तक लड़के को कोई होश नहीं है अपने फोन का, वो तो बस ला 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 लड़की के पीछे जा रहा है। ओ मागू टुरुला। यही तो होता है टुरुलब, झटपट फटाफट वाला टुरुलब। और इन महान साइंटिस्टों को अपनी ये टेक्निक की पेटेंट करवा लेनी चाहिए, हाउ टू गेट योर टुरुलब इन 5 मिनट्स। और यहाँ पे कोई आपकी दोस्त को टक्कर मार के जा रहा है, लेकिन नहीं, हमको तो नैन मटक्का करना है। अरे मेरी दोस्त को कोई टक्कर मार के दिखाए, वहीं सर फोड़ देना है मैंने। इन्हीं लोगों को बोल के मेरे माँ बाप कहते थे, बेटा दोस्त पालो सांप नहीं। ए बाहर चलना। ए नहीं यार, बहुत दूर पे मैं नहीं जाएगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी, अब तो बदबू सूंघते हुए जाएगी। पागल मी पागल मी पागल यू पागल।
तो भाई आज के वीडियो में बस इतना ही जलील किया जाएगा हमारे टूरू लवर्स को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर करे, सब्सक्राइब कर दे चैनल पे अगर आप नए हो तो। और दिस इज योर बॉय कैनेडियन गुडबाय साइनिंग ऑफ फॉर राइट नाउ, एंड आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे सेफ, कोरोना से बचें।